गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आई होप में तब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी सुबह का 6:30 हो रहा है, ठीक है, और बाहर का मौसम देख लो, लग रहा है पूरा लग रहा है बारिश का मौसम होगी। बारिश कैसे होता है, मौसम बन जाता है वैसा ही, मतलब लग रहा है, ठीक है, बाहर में। और हवा बहुत दबा के चल रहा है, ठंडा भाई बहुत ज़्यादा है, क्या बोले। और आज 4 तारीख है, हम लोगों को 6 को निकलना है, मतलब 6 को किक बॉक्सिंग का स्टेट चैम्पियनशिप है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है, जो जो जाएंगे प्रैक्टिस, मतलब 2 ही जन, अभी 3 जन है, एक छोटा बच्चा है, एक अंजलि है नाम लड़की है, और एक और लड़का है, ठीक है। वो लोग जा रहे हैं किकबॉक्सिंग स्टेट चैम्पियनशिप खेलने, मतलब जूनियर लोग का हो रहा है, सीनियर का नहीं हो रहा। सीनियर का रहता तो भाई हम भी तो खेलते, तो आप लोग को भी दिखाते ना, तो हम भी जाएंगे तो हो सकेगा आप लोग को दिखाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और बस गाइज बाहर हम लोग आ चुके हैं, और सबको देख लीजिए उधर दौड़ रहा है, आपको दिखाते हैं, रुकिए। तो गाइज देखिए सब कोई दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को मिलाते हैं कौन कौन जा रहा है, ठीक है। हजारीबाग खेलने के लिए बहुत ज़्यादा सेक कर रहा है यार, ठीक है। दौड़ रहे दौड़ो दौड़ होगा होगा जा 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 गाइस क्लब के अंदर अभी पहले हम लोग थे, ठीक है, वहाँ पर अभी दबा के मैंने लोग को वार्म अप कराया, उसके बाद बाहर ले आकर अभी रनिंग करा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो अभी कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग को जाना है ना, तो फिर ध्यान तो देना पड़ेगा ना इसी के कारण, ठीक है। और इसके बाद अंदर जाके थोड़ा बहुत जंपेस वगैरह करेंगे। मंदिर है बगल में, थोड़ा आवाज़ आ रहा है, थोड़ा मैनेज करिए, ठीक है। तो पहले हम लोग को रनिंग करा देते हैं, ठीक है, चलिए दौड़िए 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 दौड़िए। वो बच्चा ये 2 राउंड साइड हुआ होगा, 1 राउंड बड़ ढंग से हुआ होगा, शॉर्टकट मार रहा है, सब इधर ही है। चलो दौड़ो, ये एक जाने वाला है हजारीबाग, तुम भी जाएगा ना, ये जाएगा एक छोटा, ये बच्चा जाने वाला, अरे अंजलि जाने वाली है, ठीक है। हो गया कितना राउंड? 6 राउंड। चलिए 7 मार लीजिए, 7 मार लीजिए आज, देखो सीखो, समझ में आ रहा है? ओए बताइए वो कहाँ 7 राउंड मार रहा है, तुम लोग किसका ज़्यादा एज हो रहा है? चलो जाइए 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 जाइए, एक और मारिए लास्ट, चल आगे बढ़, चल 6 मार जा, चलो हाय। फाइव 6। तो गाइस अभी शैडो करवा रहे हैं, ठीक है, 3 मिनट का 3 राउंड चलने वाला है, ये पहला राउंड है, वो देख सकते हैं। 3 राउंड शैडो कराने के बाद हम लोग इसके बाद स्पायरिंग करेंगे, जो कि आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इन लोगों को करा दूँ 3 राउंड, उसके बाद स्पायरिंग कराएंगे, तो फिर मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी शैडो का लास्ट राउंड चल रहा है, ठीक है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ, देखिए कि इसमें इस बार किक ऐड किया गया है शैडो में, वो देख ले रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग स्पायरिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए 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 चलिए। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए। टाइम नहीं, बोलिए मत, मार खाइए, आपका ओपोनेंट है, आप मारिए उसको। हाँ बहुत बढ़िया, बैक 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 बैक, फाइट, अली मार खा रहा है। गाड गाड आराम कर, ओ ओ ओ फॉर्म में आ गया, फॉर्म में आ गया, चलो बैक 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 गाड, चले चले चलिए,
चलिए आगे बढ़े, खेलिए, उतना टाइम नहीं दिया जाता। चले चले कॉम्बिनेशन मारिए। हाँ रुकते का है, मार दीजिए, रिप नहीं देखते हैं आप। हाँ स्टॉप, बैक आइए बैक आइए बैक आइए। अरे फिर से चले 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 चले, स्टार्ट है, टाइमर नहीं रुक रहा ना। हाँ दोनों का लास्ट राउंड चल रहा है, आप लोग देख लीजिए, देखिए क्या होता है। चलिए चलिए, मारे मारे मारिए, रुकना नहीं है, थक गए। मारो उसको फेस पे। मारो फेस पे। चलो चलो पीछे मत आओ। फेस पे मारू ना उसका, ढकेल क्या रही है। चलो मारो, कॉम्बिनेशन मारो गधा। वीडियो दिखा था ना कैसे कर रहा था। कॉम्बिनेशन मारो, बार बार बोलते हैं फेस जरूरी नहीं है, फेस जरूरी नहीं है, जहां गैप मिले वहां मारो। चलो चल ठीक है, करो ना। डकिंग के साथ डॉज के आजा, चल चल घुस। स्टॉप, फाउल फाउल। क्लास ऑफ करके घर आ चुका हूँ और मैंने भी स्पायरिंग किया, आप लोगों ने देखा, ठीक है। मैं भी सोचा चलो थोड़ा सा स्पायरिंग कर लिया जाए, ठीक है। स्पायरिंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग तो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस करते हैं, हाथ पर खोलते हैं, ठीक है, शैडो करते हैं, बैग मारते हैं, लेकिन हम लोग जब फाइट खेलते हैं ना, उस मूवमेंट में ना पंच खोलना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। तो आप तो सोचते हो हवा में एकदम पंच परफेक्ट चल जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप मारोगे ना किसी को तो सही से नहीं चलता है। तो इसीलिए स्पायरिंग करना जरूरी है। इससे स्पायरिंग करने से पंच चलाने का आदत हो जाता है, किसी को मतलब मारने का आदत हो जाता है, समझ में आया। तो ठीक है, आई होप आप लोग को ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो पर, ठीक है, चलिए बाय बाय।